गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आप 11th क्लास के झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 11th क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए और इसी टाइप से आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सर 11th में क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि 11th में आपके क्वेश्चन का टाइप सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ओके, सेकेंड आपसे सवाल यह आता है कि सर कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। ओके, फिर आपसे सवाल आता है कि सर कितने सब्जेक्ट का होगा। ठीक है सर, 5 सब्जेक्ट का होगा। कितने का? 5 का, जो आपने चूज किया है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी आप सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट को, वो सारे का सारा जो होगा होगा। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, फिर आपका सवाल आता है कि सर नेगेटिव मार्क्स होंगे कि नहीं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन है, तो हम अगर बाद में गलती बना देते हैं, ठीक है, तो उसके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे? तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं कटेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, पांचवा सवाल जो बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर पास मार्क्स कितने होंगे, है ना, पास कितने मार्क्स होगा। ठीक है, तो पास करने के लिए आपको मार्क्स लाना होगा 15। ठीक है, अब 40 नंबर का क्वेश्चन है ना, सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एक एक क्वेश्चन एक नंबर का है, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है, तो पास मार्क्स कितने होंगे? 15। ओके, चलिए अब रही बात सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रह गए फिजिक्स केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट का, तो सारे टीचर्स जो है अभी बाहर हैं। ठीक है, वो आएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका सवाल आता है कि सर टाइम कितने मिलेंगे, है ना, जो हमारे 40 क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम कितने मार्क्स के कितने होंगे। ठीक है ना, तो आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट जो है क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, है ना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें हिंदी, मतलब उसका हिंदी भी लिखा रहेगा और हिंदी में इंग्लिश में दिए रहेंगे। ठीक है, तो इन सारे डिटेल्स को आपको जानना चाहिए, है ना, आप इन सभी डिटेल्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइनअप के तहत पढ़े, है ना, अच्छे से पढ़े। और एक बात और बता दूं कि आप हमारे चैनल पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे जो है सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ेंगे, है ना, आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे बताए जाएंगे आपको। तो ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है जी, हाँ, तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन का, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री होगा। ठीक है, जैसे जैसे टीचर आते जाएंगे आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी।